ज़्यादा एक ज़रूरी जो पॉइंट है, आपने वाटर ड्रेनेज का हिसाब किताब ज़रूर देखना है। सबसे ऊपर वाली छत पर जाकर बारिश के पानी की निकासी प्रणाली जो बनाए गए हैं उनका गटर के अंदर डाला गया है पाइप, या कहीं बाहर सड़क पे या गैराज वाले एरिया में कहीं पे प्रणाला निकाला गया है। और क्या जब बारिश बहुत ज़्यादा आएगी तो वो वाला जो पानी इकट्ठा होगा छत का, वो आसानी छत से नीचे उतर जाएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीलॉग में खुश आमदीद। आज बात करूंगा कि अगर आप बना बनाया एक मकान खरीदने जा रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल करना है, क्योंकि मसरूफियत का दौर है, हर बंदा अपना मकान तो तमीर नहीं कर सकता। कई दफ़ा आपको एक बना बनाया मकान रेडीमेड हाउस खरीदना पड़ता है, लेकिन उसके अंदर कैसा मटेरियल इस्तेमाल हुआ होता है, किन किन चीज़ों को चेक करना है, ये एक आम इंसान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बिलखसूस जब उसने एक इतनी बड़ी सरमायाकारी करनी हो, एक्साइटमेंट लेवल्स भी ज़्यादा हों, तो चीज़ों को कंसिडर करना, चीज़ों को देखना आसान नहीं होता, ठीक है। तो उस सिलसिले में मैं इस वीडियो के जरिए ये आसानी पैदा करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह एक पॉइंट तो ऐसा आपको बताऊंगा जिसको देखते ही इंशाल्लाह आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो का बकायदा तौर पर आगाज करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपने पॉइंट आउट करनी होती है, जब आपने इरादा कर लिया कि आपने एक बना बनाया मकान खरीदना है, आपने इंतखाब करना है जिस हाउसिंग सोसाइटी का, उसके बारे में सबसे पहले नाउ हाउ लेना बहुत जरूरी है। मैं उन लोगों के लिए ये बात नहीं कर रहा जो बैरिया या डिफेंस जैसे मशहूर मतलब के सोसाइटीज़ के अंदर मकान लेने जा रहे हैं, वो डेफिनेटली इस पॉइंट से आउट हैं, वो उसके लिए ये चेकिंग करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन छोटे शहरों के अंदर जो नॉर्मल प्राइवेट सोसाइटीज़ होती हैं उनके अंदर इस चीज़ का चेक किया जाना बहुत ज़रूरी होता है कि उनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, या किसी किस्म का कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा वहाँ पे प्लॉट या मकान खरीद लेने से। सबसे पहला काम आपने करना है हाउसिंग सोसाइटी का जो डेवलपर है उसकी आपने नाउ हाउ लेनी है कि उसने कितनी सोसाइटीज़ डेवलप की हैं और उन्होंने क्या क्या चीज़ें उसमें डेवलपमेंट जो दी है उसके अंदर जो वादे हैं वो कितने हद तक पूरे किए हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। सबसे पहला पॉइंट आपने ये ले लेना है। उसके बाद अगर आपने ये सारी चीज़ें चेक कर ली, सोसाइटी की जो मतलब ओवरऑल वर्थ थी वो आपने देख ली, डेवलपर अच्छा था, डेवलपमेंट अच्छी कर रहा था, तो अगली चीज़ जो आपने चेक करनी है कि उसकी यूटिलिटीज़ यानी कि उसकी वाटर सप्लाई, उसकी जो उसकी सीवरेज का निज़ाम है, जो उसका इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम है, उसको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अक्सर औकात देखने में ये आया है कि कुछ सोसाइटीज़ वाले बहुत थोड़े ट्रांसफार्मर्स इंस्टॉल करके सोसाइटी को चला देते हैं, बिजली एक दफ़ा चल जाती है, या उन्होंने आरजी कनेक्शन लिया होता है। जब आप उधर प्लॉट या मकान ले लेते हैं तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि यहाँ तो वोल्टेज पूरे नहीं आते, क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर्स की तादाद जितनी बड़ी सोसाइटी है उसके मुताबिक पूरी नहीं रखी गई तो कभी भी आपके जैसे जैसे घर बढ़ते जाएंगे, कंजम्पशन बढ़ती जाएगी, आपको आपकी बिजली के वोल्टेज पूरे नहीं आएंगे। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ये प्रॉब्लम्स आई प्राइवेट सोसाइटीज़ के अंदर, उन्होंने मकान बना लिए या मकान खरीद लिए, बाद में उनको अपने पर्सनल ट्रांसफार्मर्स तक इकट्ठे होकर पैसे इकट्ठे करके कुछ घर वालों ने अपने ट्रांसफार्मर्स तक लगवाए, तो आपने ये चीज़ देखनी है। इसके अलावा मैं ऐसे भी सोसाइटीज़ को जानता हूँ जिनका सीवरेज की अटैचमेंट नहीं है, वो एक वाटर पंप के जरिए, सक्शन पंप के जरिए अपना पूरी कॉलोनी का जो वेस्ट है मटेरियल वो कहीं किसी पाइप के अंदर डालते हैं, उनका कनेक्टेड सिस्टम नहीं होता, तो जब तक वो कॉलोनी डेवलप कर रहे होते हैं तब तक तो चीज़ें चलती रहती हैं, जब वो डेवलपमेंट की मुकम्मल हो जाती है वहाँ से वो सब कुछ अपना बेच देते हैं, बाद में सिर्फ उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता जो वहाँ पे मकान बना कर बैठ जाते हैं। इसके अलावा उस सोसाइटी के एनवायरनमेंट कैसा है, आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपने बहुत ज़रूरी चेक कर लेनी है। क्या ऐसा कोई इंडस्ट्रियल जोन तो वहाँ पर मौजूद नहीं है जो उसकी आबोहवा को मतलब ख़राब करता हो और उसकी आबोहवा अगर आलूद रहती हो उसकी वजह से, या किसी किस्म की स्मेल वगैरह रहती हो, ये चीज़ें आपने लेने से पहले कंसिडर ज़रूर कर लेनी है। अब आपने जो मेन चीज़ देखनी है, अगर ये सारी चीज़ें चेकलिस्ट के अंदर आपके पास हो जाती हैं, आपने उस सोसाइटी की अप्रोच देखनी है कि उस सोसाइटी को, जाहिर है जब आपने मकान ले लिया आपने उधर रोज़ आना जाना है, वहाँ से अपने घर से निकल के अपने कामकाज पर तो आपने आना जाना होता ही है, कुछ शॉपिंग के लिए, कुछ स्कूल कॉलेज के लिए, या किसी भी और ज़रूरत ज़िंदगी को पूरा करने के लिए आपने वक्तन फ़क्तन आपने ये चीज़ें सारी करनी होती हैं, और आना आमदोरफ्त बहुत ज़रूरी है। और ऐसी अप्रोच जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रशी एरिया से गुजर के आपको रोज़ ट्रैफिक जाम के अंदर से गुजर के उस घर तक पहुँचना पड़े अपने काम से, तो उसको अवॉइड कीजिएगा और लेते वक्त इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर कर लीजिएगा।
आपने ये सारे चेकलिस्ट पूरे कर लिए और आपने कोई मकान देखा है प्यार की करदा मकान है उसको आप खरीदने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मजीद चेकिंग करने से पहले उसका लीगल स्टेटस, जो प्रॉपर्टी का लीगल स्टेटस है वो चेक कर लेना बहुत जरूरी होता है। बाज़ा औक़ात ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी के ऊपर कोई ना कोई रोला रपड़ा जरूर होता है, कुछ पार्टनर्स का आपस में रोला होता है या उसकी ट्रांसफर में कुछ मसाइल होते हैं, वो आप चेक करते नहीं हैं, बयाना दे बैठते हैं और बाद में मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपने प्रॉपर्टी का लीगल स्टेटस, उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उस प्लॉट की या उस मकान की, सबसे पहले आपने उसके ऊपर बात जरूर कर लेनी है कि ये किसका मकान है, किसके नाम है, ट्रांसफर कैसे होगा। इन चीजों पे आपने बात स्टार्ट करके अगले स्टेप्स पे जाना है। तो चलें अब ये सारी चीजें देख लेने के बाद अगला स्टेप आपने करना है, हाउस प्लान को चेक करना है। क्या वो हाउस प्लान यानी कि वो जो नक्शा है वो आपकी फैमिली के हिसाब से आपको सूट करता है या नहीं करता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। घर ऐसी चीज है जो एक टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है, बार बार आप इसको तब्दील तो कर नहीं सकते। ये कोई पंखा नहीं है जो आपको पसंद ना आए तो आप कल को तब्दील करके नया लगा लेंगे। तो इसलिए आपने हाउस प्लान को अच्छी तरह से देख लेना है, क्या उसमें आपकी अकोमोडेशन पूरी है, कमरे जितने आपके रिक्वायर्ड हैं वो पूरे हैं, और क्या ये लेने के बाद आपको कोई घुटन का माहौल तो नहीं बन जाएगा क्या। इसी बात के उस घर को बनाने वाला जो बिल्डर है, जो इन्वेस्टर है जिसने उस घर को बनाया है, उसकी वर्थ को चेक कर लेना, उसकी प्रोफाइल को चेक कर लेना बहुत जरूरी होता है कि वो किस बिल्डर ने बनाया है। अगर कोई नया बिल्डर है जिसका कोई तजर्बा नहीं है, वो पहला नया काम में आया, हो सकता है कि उस घर के अंदर बहुत सारे ऐसे फ्लॉज हों जो देखने में सामने ना आए जब आप मकान को खरीद लें, तो उसके बाद आपके सामने आए और आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाए और बाद में उसको बेचना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बिल्डर की प्रोफाइल सबसे पहले चेक कर लें, उससे सवाल पूछ लें जब उसका घर आप देख रहे हों कि आपने क्या कोई और मकान भी बनाए हैं, कोई सेल किए हैं, इस तरह के सवाल उससे पूछ लें, या सवाल पूछें कि इसके अलावा कोई और मकान भी आप बना रहे हैं जो वर्क इन प्रोग्रेस हो, हम वो भी देख लें, हो सकता है हमें उसका नक्शा ज़्यादा पसंद आ जाए। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वो बिल्डर और भी कोई साइट्स बना रहा है या नहीं बना रहा, और आप उसकी वर्थ चेक करने में कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद आपने घर की जब मतलब देखना उसको शुरू करना है, जब घर की इंस्पेक्शन शुरू करनी है, तो ओवरऑल क्रैक्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो आपकी जर्नल, जो आपकी अपनी मर्जी के साथ आप देखना चाहते हैं इस चेकलिस्ट के अलावा, वो आपने साथ साथ मोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो आपने देखते जाना है। इसके बाद जो आपने पॉइंट चेक करना है वो आपने फ्लोर्स का जो है वो देख लेना है कि मार्बल लगा है या टाइल लगी है। अगर वो आप टाइल लगी है तो उस टाइल की कंपनी आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है, कोई ऐसी टाइल तो नहीं है जो बहुत ज़्यादा हल्की क्वालिटी की, हल्के मटेरियल की टाइल लगा के सिर्फ चमक तमक दी गई है और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो अगर मास्टर की टाइल इस्तेमाल की है ये एक प्लस पॉइंट होगा, और इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन्वेस्टर ने यहाँ पर कंजूसी नहीं की हुई, मास्टर की टाइल महंगी टाइल गिनी जाती है, अगर वो इस्तेमाल की है तो उसने यकीनन और जगहों पर भी अच्छी चीज़ें ही इस्तेमाल की होंगी। जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ इसको आप सुनने के बाद इंशाल्लाह मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ये चीज़ आपने घर लेते वक्त ज़रूर चेक करनी है। आपने उस घर की तमाम टूटियाँ, वॉशरूम्स की, किचन की, या जहाँ भी पानी की कोई टैप आपको नज़र आए वो आपने खोल के देखनी है कि पूरे घर में इस वक्त वाटर सप्लाई ऑन है या ऑफ है। प्लम्बर का एक ऐसा सेगमेंट होता है जो कि ढका हुआ होता है, प्लस्तरों के नीचे पाइप्स होते हैं, उसको आप कभी जज नहीं कर सकते कि इसके अंदर पाइप्स कैसे इस्तेमाल हुए हैं और उनकी लीकेज है या नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि कई मकान और प्लम्बर्स का जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे कारीगर अमूमन देखने को नहीं मिलते और वहाँ पर फ्लॉज रह जाते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट्स कहीं से लीक होते हैं तो सारी सीपेज है दीवारों के अंदर आती है, जिसका हल कोई नहीं होता और हमेशा का पछतावा ही होता है, वहाँ से हमेशा दीवार के अंदर से कलर निकलता रहता है। ऐसा कोई मामला हो जाए तो इन्वेस्टर या इस तरह का कोई बना के बेचने वाला, मकान बेचने वाला जो होता है, अक्सर औकात ऐसा कर लेता है कि वाटर सप्लाई को ऑफ कर देता है। और वाटर सप्लाई जब ऑफ होती है, टैंकी से मेन वॉल्व को बंद कर दिया जाता है, तो क्योंकि पाइप्स में पानी नहीं होता तो सीपेज भी सामने जाहिर नहीं होती, जिसकी वजह से आप वो घर खरीदने के बाद पछताते हैं। तो आपने हमेशा टूटियाँ खोल कर चेक कर लेनी है कि क्या पानी ऑन है या ऑफ है। अगर ऑन है उसके बाद आपने हर दीवार को अच्छे तरीके से चेक करना है कहीं पे कोई सीपेज, या ख़ास तौर पे जहाँ पे वॉशरूम्स हैं ऊपर वाले एरिया के या नीचे वाले एरिया के, कहीं पे भी वॉशरूम की दीवारों के बाहर कहीं पे कोई पानी की सीपेज वगैरह कलर वगैरह तो नज़र नहीं आ रहा, ये चीज़ें आपने चेक कर लेनी है। अब जब आप घर को पूरे
अच्छे तरीके से देख रहे होंगे तो आपने उसकी तमाम तर फिटिंग्स जितनी भी हैं, जैसे स्विच बोर्ड्स हो गए, आपके वाटर सेट्स हो गए आपके वॉशरूम के, इसके अलावा आपके किचन की एक्सेसरीज हो गई या वो लाइट्स वगैरह या जो चीज़ भी यहाँ पे इंस्टॉल एक्सटर्नली की गई है, फानूस अगर कोई लगाए गए हैं या कोई हुड या किचन हॉब लगाया गया है, उनकी क्वालिटी को आपने जज करते रहना है। जब आप मुख्तलिफ घर देखेंगे तो आपको क्वालिटी जज होना शुरू हो जाएगी। और आपने जब भी जाना है, दो तीन फैमिली मेम्बर्स ने जाना है, तमाम अगर लोगों ने ये वीडियो देखी होगी तो हर बंदा अपनी अपनी नज़र से उसको देखेगा तो कोई फ्लॉ इंशाल्लाह रह नहीं जाएगा। जब आप वापस आके डिस्कशन करेंगे तो उसमें आप एक अच्छा रिजल्ट निकालने में कामयाब जरूर हो जाएंगे। तो आपने पूरी फिटिंग्स को बगौर जायज़ा लेना है कि फिटिंग्स की क्वालिटी जो है वो किस तरह की इस्तेमाल की गई है। बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी जो पॉइंट है, आपने वाटर ड्रेनेज का हिसाब किताब ज़रूर देखना है। सबसे ऊपर वाली छत पर जाकर बारिश के पानी की निकासी प्रणाले जो बनाए गए हैं उनका गटर के अंदर डाला गया है पाइप, या कहीं बाहर सड़क पे या गैराज वाले एरिया में कहीं पे प्रणाला निकाला गया है। और क्या जब बारिश बहुत ज़्यादा आएगी तो वो वाला जो पानी इकट्ठा होगा छत का, वो आसानी छत से नीचे उतर जाएगा या नहीं उतर जाएगा, और वो उतर के अगर नीचे आएगा तो वो किस जगह पर आएगा, इन चीज़ों को आपने बगौर जायज़ा लेना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सेंसिटिव पॉइंट है। ऐसे मैंने कई मकान देखे हैं जिनमें बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन की गई थी लेकिन ये फ्लोर छोड़ दिया गया था उनका, जो सीवरेज सिस्टम के अंदर उनके पूरी छत का पानी डाला हुआ था और वो चौक हो जाता था, क्योंकि सीवरेज एक वॉशरूम के लिए बना होता है और उसके अंदर जब आप बारिश का पानी पूरी छत का एक होदी के अंदर डालते हैं तो वो चौक हो जाता है और पानी ने इवेंचुअली अपना रास्ता कहीं ना कहीं से बनाना होता है तो उसमें फिर आपका नुकसान हो जाता है और वो पानी कहीं ना कहीं मार करता है और डेफिनेटली आपकी बिल्डिंग को नुकसान पहुँचाता है। तो ये आपने ड्रेनेज जो वाटर की है ये आपने अच्छे तरीके से चेक कर लेनी है। एल्युमिनियम की विंडोज जो हैं आपने वो चेक करनी है, उनका काम सारा चेक करना है कि वो किस तरह की, उनके जॉइंट्स किस तरह की, उनकी जो फ्रेम मूव हो रही हैं, उनके जो हैंडल्स वगैरह लगाए गए हैं, एल्युमिनियम शीशा वगैरह जो भी है, जालियां हैं, वो अच्छे क्वालिटी की यूज़ की हुई हैं या नहीं की हुई। इसके अलावा जो बहुत ज़रूरी काम चेक करने का होता है वो है वुड वर्क आपका, जो आपकी किचन कैबिनेट्स हैं उनको आपने खोल के बंद करके देखना है, उनके कब्जे उनके अंदर प्ले वगैरह नहीं है, उनकी अलाइनमेंट बिल्कुल सीधी है। जो आपके कैबिनेट्स हैं नीचे उसके अंदर खाने के अंदर क्या क्या लगाया गया है, क्या उनको सील किया गया है, मार्बल उनको भी अंदर से किया है या नहीं किया, ये सारी चीज़ें किचन कैबिनेट्स, मार्बल, सीढ़ी का पत्थर, इस तरह की सारी चीज़ें आपने देख लेने के बाद अपने घर को फाइनल करना है। मैं अपनी वीडियो को अख्ताम के मराहल में लेकर आ गया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो से फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा और आप अगर बना बनाया घर लेने जा रहे हैं तो इन पॉइंट्स को गौर करते हुए एक अच्छा घर खरीदने में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। मैं आपसे दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जो भी घर आप खरीदने जा रहे हैं या आप अगर घर बना रहे हैं, अल्लाह ताला आपको उस घर में रहना और बसना नसीब फरमाए, लंबी खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए, खुश रहें, आबाद रहें। नेक्स्ट व्लॉग में फिर से इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, इंशाल्लाह दोबारा से फिर मुलाकात होगी। इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।